हेलो फ्रेंड्स, EDCIL इंडिया लिमिटेड से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है टीचिंग पोस्ट के लिए। EDCIL मिनी रत्न कैटेगरी वन ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। यह एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन किया गया है। नोटिफिकेशन के डिटेल में आते हैं जिसमें मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेम टीचर्स फॉर द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। ठीक है, इसके लिए इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है और ये पोस्ट जो है वो PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है भूटान गवर्नमेंट के स्कूल्स में और ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। सब्जेक्ट्स में मेंशन किया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है, मैथमेटिक्स, ICT और कंप्यूटर साइंस और IT और लास्ट वन है केमिस्ट्री। तो इन तीन सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है भूटान गवर्नमेंट के स्कूल में ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यह मेंशन किया गया टेन्योर ऑफ पोस्टिंग शैल बी मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स एंड द टीचर्स मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन भूटान की किसी भी जगह में पोस्टिंग हो सकती है और ये टेन्योर जो है वो मिनिमम 2 ईयर्स का रहेगा। नेक्स्ट है द टेन्योर मे बी रिन्यूड बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान एंड द कैंडिडेट। नेक्स्ट में यह वेबसाइट मेंशन किया गया है, ठीक है, जहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मीन्स और मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एज अंडर। नेक्स्ट में ये ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है जहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है। द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एज अंडर। तो यहाँ मेंशन किया गया कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन EDCIL वेबसाइट, यहाँ लिंक मेंशन की गई है और ये एप्लीकेशन जो है वो 4 मार्च से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 18 मार्च। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, तो मेंशन किया गया पोस्ट डिटेल्स एंड वैकेंसीज। मैथमेटिक्स में 10 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस, IT और ICT इसमें 10 वैकेंसीज और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 5 वैकेंसीज है। नेक्स्ट वन है क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फर्स्ट में मेंशन किया गया मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ ही साथ BEd की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्रोफिशियंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट है PGT टीचर मस्ट हैव 5 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन टीचिंग केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और IT और कंप्यूटर साइंस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 11th और 12th। नेक्स्ट है हाई प्रोफिशियंसी इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है और इसको कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 4th मार्च। नेक्स्ट है फिजिकली फिट विथ नो मेडिकल कंडीशन डैट में इम्पेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर टू सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वन है द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी 4th मार्च 2023। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस, तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 4th मार्च 2023। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, जिसमें सैलरी मेंशन की गई है 1,40,000 पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूसिव ऑल बेनिफिट्स। ठीक है, तो सैलरी 1,40,000 होगी। द टेन्योर ऑफ पोस्टिंग शैल बी मिनिमम फॉर 2 ईयर्स, तो ये टेन्योर जो है इस जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिनिमम 2 ईयर्स के लिए रहेगा। एंड द टीचर्स मे बी पोस्टेड एंड रिलोकेटेड एनीवेयर इन द भूटान डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। जॉब का जो टेन्योर है वो मिनिमम 2 ईयर्स का रहेगा और पोस्टिंग भूटान की किसी भी जगह में हो सकती है। द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान शैल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंस टू द कैंडिडेट फॉर वर्क परमिट एज एप्लीकेबल। नेक्स्ट वन है लीव, मेडिकल बेनिफिट्स, ट्रैवल पैसेज एंड अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। लास्ट वन है हाउ टू अप्लाई, तो यह मेंशन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है, ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन की गई है, इसको एक बार चेक कर लें। लास्ट वन है जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली चेक कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लें। ठीक है, यहाँ लास्ट में हेल्पलाइन
नंबर मेंशन किया गया, टोल फ्री नंबर है और ईमेल आईडी मेंशन की गई है। ठीक है, तो यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है फॉर्म फिल करने में तो अपनी क्वेरी इस नंबर पे या फिर इस ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है EDCIL इंडिया लिमिटेड का। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए होम पेज के बॉटम में ये मैसेज स्क्रॉल हो रही है, EDCIL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर PGT टीचर्स ऑन बिहाफ ऑफ रॉयल भुट्टा। ठीक है, यहाँ लिंक मेंशन की गई है, इसके थ्रू नोटिफिकेशन का डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेंशन किया गया है, तो ये न्यू पेज में आ जाएंगे जिसमें मेंशन किया गया रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेम टीचर्स फॉर द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है, देन की लिंक्स है जहाँ से फर्स्ट में टू रीड एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश, क्लिक हियर का टैब मेंशन है, यहाँ से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करने पे ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है टू रजिस्टर, रजिस्टर करने के लिए इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है की डेट्स, यहाँ स्टार्टिंग डेट फॉर एप्लीकेशन मेंशन किया गया 4th मार्च और लास्ट डेट है 18th ऑफ मार्च। ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, देन लॉग इन करना है।